मैडम बधाई, क्या कहेंगी? नए चेहरे को आपने शामिल किया है और पार्टी के वफादार लोग हैं। मैडम बधाई, क्या कहेंगी? नए चेहरे को आपने शामिल किया है और पार्टी के वफादार लोग हैं। प्रणाम है जी। यह संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है, जब हम विधायिका में आते हैं सदस्य बन के उसका हिस्सा कार्यपालिका, यह गौरव का अवसर है कि ये काम करने का मिलेगा। लेकिन आपके विपक्ष बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ गपबाजी हो रही है, 20 लाख की नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से ये सरकार चलेगी, विकास कहाँ से होगा? 17 साल वो विफल सरकार चलाए हैं और 8 साल से दिल्ली में जो सरकार चलाए हैं वो अपनी उपलब्धि जो नाकामी रही उस अपनी नाकामियों की चर्चा कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो तर्क गढ़ रहे हैं कि जॉब नहीं दिया जा सकता, तो ये नाकाम लोग हैं जो 8 साल से देश में 2 करोड़ साल में नौकरी देने की वादा करने वाले लोग 20 लाख भी नहीं दे पाए, वो अपनी नाकामी को प्रचारित कर रहे हैं। यह समझने का विषय है। निश्चित हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा था सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, वो एजेंडे पर हम काम करेंगे। और ये कोई वो वचन पत्र था पार्टी का, जो घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, और उस वचन पे हम कायम हैं और काम करेंगे। आगे बढ़िए ना सर। मैडम बधाई, क्या कहेंगी? नए चेहरे को आपने शामिल किया है और पार्टी के वफादार लोग हैं। चलिए हो गया, रुकिए रुकिए।